हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पता है आज उतना भी मॉर्निंग का टाइम नहीं हो रहा, आज बज रहा है 8:08 बज रही है और मैं ना सुबह की नाश्ता बना रही थी और मुझे क्या पता कि मुझे कोई 2-3 घंटे से ढूंढ रहा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। एक सब्सक्राइबर हम सब मिलने के लिए आई थी, अनजान मैं भी थी, वो भी मेरे से, वो तो मुझे जानती थी यूट्यूब के वजह से, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी अनजान थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता और फटाफट से मैं खाना भी बनाऊंगी क्योंकि मम्मी को जाना है, कहीं भोज घर में जाना है, तो इसीलिए 2 बजे मम्मी की ट्रेन थी। तो फटाफट से ना पहले मैं नाश्ता करा दूंगी, फिर उसके बाद लगे हाथ खाना भी बनाऊंगी। लेकिन मेरे से एक सब्सक्राइबर मिलने के लिए आई थी, बहुत प्यारी थी, तो मतलब 2-3 घंटे से वो मुझे ढूंढ रही थी। बाद में मुझे पता चला वो किसी, शायद जो हस्बैंड जी का मेरा एक, मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना उनके साथ, तो उन्हीं का फ़ोटो दिखाते दिखाते शायद वो आई है। तो चलो कोई नहीं, अच्छा लगा उनसे मिल करके। और उनको भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी जिसके वजह से वो भी यूट्यूब पर आना चाहती है। तो देखिए यूट्यूब पर आने से पहले मैं तो यही कहूँगी, तो वो जो सिस्टर थी, मैं उसे सिस्टर ही कह रही हूँ, तो उनका क्या है ना कि वीडियो उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब 2-3 ही वीडियो थी। तो आप जब भी मेरे से मिलने के लिए आइए, कम से कम आपका 100-200 बस इतना, 100-200-250 वीडियो होनी चाहिए आपकी चैनल पे, ताकि मैं आपका जब अपने चैनल पे नाम लूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर जब आपके चैनल पर जाएं आपकी वीडियो देखने के लिए, तो उस पर आपका वीडियो रहना चाहिए। इसी वजह से मैं कह रही थी। तो उन सिस्टर का था, मतलब होता है ना, आज चैनल स्टार्ट करना है और किसी बड़े लोगों से मिलना है। खैर मैं उतना बड़ी लोग तो नहीं हूँ और छोटी हूँ, इसीलिए मैं सब में घुल मिल जाती हूँ और आप सबसे मिलवाती हूँ। फाइनली फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज तो मैं ब्लॉग कर ही नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हो पाया, लेकिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और मम्मी भी घर पे है नहीं। और पीछे आप कोई देख रहे होंगे तो ये है मेरी सब्सक्राइबर जो मुझसे मिलने के लिए आई है। और जो भी आप लोग कहते हैं ना कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत लोग आए दिन कमेंट करते हैं, तो देखिए इनको भी कुछ मेरे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, फिर भी ये मुझे ढूंढ ली। तो वही होता है कि आप मेरे मोहल्ले में आइएगा तो मैं मिल ही जाऊंगी। तो ढूंढने से है ना भगवान भी मिल जाते हैं, मैं तो इंसान हूँ और मैं तो इंसान हूँ, तो फिर वो तो अलग की बात है, मैं तो कोई भगवान हूँ नहीं, इंसान हूँ, तो मिल ही जाऊंगी। सच्चे दिल से ढूंढ के देखिएगा। तो ये है, मतलब ये मुझे भाभी भाभी बोल रही, तो समझ लीजिए मेरी ननद बन गई है उस रिश्ते। तो फिर जाके अभी मैं ना थोड़ा इनको नाश्ता वास्ता करा दी हूँ, नाश्ता तो कर ही नहीं रही थी, बहुत जिद करके नाश्ता कराई हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से भी मिलवा देती हूँ और आप लोग भी मिल लीजिए मेरी सब्सक्राइबर से, और आप लोग भी आइएगा तो आप लोगों के भी साथ मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कुछ अभी बोल दीजिए। हाँ नमस्कार दोस्तों, आपसे मिलकर तो इतना खुशी लग, ऐसा लग रहा है, बहुत पहले दिनों से बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये मेरे मायके पक्ष से है। और मेरा ससुराल थोड़ा दूर है, जबलपुर, जबलपुर में हम लोग रहते हैं और यहाँ मेरा मायका है जमालपुर। तो ये भाभी वीडियो बनाती थी तो ऐसा लगता था कि हम अपने मायके से रोज मिलते हैं, और आज सच में मतलब फीलिंग नहीं हो रहा था कि हम सच में इसके पास आए हैं, ऐसा लग रहा था। और मिलकर अच्छा लगा, हमको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी मेरी सब्सक्राइबर्स और आप लोग जैसे हैं, जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो वैसे ही ये भी मेरी वीडियो देख के ही मुझसे मिलने के लिए आई है। और आज तो मम्मी घर पे नहीं है क्योंकि मम्मी चली गई है, निमंत्रण आया हुआ था कहीं से, तो मम्मी वही गई हुई है, मैं अकेली हूँ घर में। हस्बैंड जी थे लेकिन अभी वो अपने काम से निकल पड़े हैं, और आराध्या है जो कि अकेले बदमाशी, बहुत ज्यादा बदमाशी कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। और आज मैं कोई भी काम नहीं की हूँ, तो अभी फटाफट से देखते थोड़ा बहुत काम है, उस काम को भी मैं निपटाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आप सबको आगे। और इनका चैनल है चंदा अजीत की दुनिया, चंदा अजीत की दुनिया। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सबका मदद करिए, हेल्प करने का कोशिश करिए, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे मजबूरी से ही आता है, कोई भी शौक से नहीं आता यूट्यूब, सबका कुछ ना कुछ मजबूरी होता है। तो ये भी सिस्टर है तो इनका भी कुछ मजबूरी हुआ होगा तभी जाके ये मेरे से
तो मैं इतनी भी अभी ज्यादा बड़ा मेरा चैनल नहीं है, फिर भी मेरे से जो बन पाएगा मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कोशिश करूंगी। तो आप लोग इनका चैनल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चंदा फिर से आप अपना चैनल चंदा अजीत की दुनिया, तो बस थोड़ा सा देखिएगा। और चलिए मिलते हैं आप लोगों को ब्लॉग में। फिर उसके बाद ना ये नाश्ता लेके आए थे, पहले ही मैं नाश्ता करा दी थी बात करने से पहले, करीब 2-3 घंटा वो मेरे घर पे रही बिताई, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और अभी का जाने का टाइम हो चुका है, तो ये अभी निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और पता है जाते जाते आराध्या को ना ज़बरदस्ती 500 की नोट देके गई है, तो बहुत ज़्यादा मैं बोली क्या ज़रूरी था पैसे वगैरह का। तो आप लोग देखिए हमारे बच्चे को हमको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा बिल्कुल भी मत दिया करिए, लेकिन फिर भी इस सिस्टर ने बोली, मतलब बोले कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। तो बस आराध्या को ऐसे ही ज़बरदस्ती मतलब थमा दी, तो चलो कोई नहीं, अच्छा लगा इनसे मिल करके। और ये खाना जो है ना ये मैं पहले ही बना ली थी, खाना बना के और मम्मी को मैं खिला दी थी, तब जाके मैं थोड़ा लेटी ही थी, तब तक मेरा गेट बजा, और गेट बजा तो फिर यही सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी, तो बहुत अच्छा स्वभाव लगा। और फिर बात काफ़ी ज़्यादा बात की तो अच्छा लगा। तो देखिए मतलब एक जब बेटी बहू बन जाती है ना, तो उसके दुख अनगिनत हो जाते हैं, मतलब सताने वाला। या उनकी भी बात सुनी थोड़ा मायूस हो गई थी, दुख सा मुझे भी लग रहा था कि चलो मैं अकेली एक इंसान नहीं हूँ जो ये सब झेल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 100% जो लेडी है ना, 90% लेडी, 100% में 90% लेडी ये सब झेल रही है, 10% ही वो खुश नसीब लेडी होगी ससुराल के रूप में मायका मिला होगा। तो चलो कोई नहीं, जिंदगी बस यही है, बस जीने की कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को, और आगे बढ़ना चाहिए, अपना हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर ना मैं खाना बना रही थी क्योंकि मम्मी को जाना था, मम्मी का बैग वगैरह सारा पैक की थी। पैक करने के बाद अभी करीब वही मतलब 11:30 बज रहा होगा, और जो मेरी सिस्टर है ना वो मतलब जैसे ही मम्मी निकली और वो आई, तो फिर जाके वो काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रही थी। बाद में पता चला मतलब 2-3 लोग फ़ोन किए इनके फ़ोन पर कि आपका कोई ना एक मतलब ढूंढ रहा है, उसकी भाई भी साथ में आई हुई थी, तो फिर जाके फिर बताएं, तो फिर जाके मिली मैं उनसे और कुछ कुछ बातें हुई, जैसे यूट्यूब के बारे में ही उनको तो कुछ जानकारी लेना था, तो फिर मेरे से जो पाया बन पाया मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद ना अभी खाना मेरा वो दाल चावल और 2 तरह की मैं सब्जी बनाऊंगी, एक तो साग बनाऊंगी और दूसरी सब्जी ना बैंगन मूली और आलू डाल करके बना दूंगी। दाल हो गई थी, चावल भी हो गई है, बस साग भी हो चुका है, बस ये लास्ट एक सब्जी बची हुई है आलू बैंगन की। और यहाँ पे ना छौंक लगा देती हूँ, दाल जब भी छौंकती हूँ ना तो इतना ज़्यादा ये आग सा ऊपर उठ जाता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है करछी गर्म हो जाने की वजह से ही ऐसा हो जाता होगा। और फिर उसके बाद यहाँ खाना बन गया है मेरा, और ब्लॉग जो है ना एडिट मैं की थी क्योंकि वो सिस्टर मुझसे 2 बजे के टाइम मिलने आई थी, और मैं ब्लॉग सबसे पहले ही डाल दी क्योंकि उन्होंने कुछ बातें की, ताकि आप लोग देखिए उतना तो वीडियो देखते नहीं हैं, 4-5 मिनट तक देखते हैं, इसलिए मैं सोची कि आगे ही डाल देती हूँ ताकि कम से कम उन लोगों से आप लोग मिल तो पाएँ। काम तो मेरा रोज़ देखते हैं आप लोग, आज उनसे ही मिलवा दी। और सब लोग ऐसा क्या जो भी मेरे से मिलने के लिए आएंगे तो सब लोगों की वो खुद ही बोली, मैं नहीं सोची थी। देखिए कोई भी लोग होते हैं ना कि कोई इसके लिए तैयार होते हैं कोई नहीं होते, तो बस मैंने उसे फोर्स नहीं किया, खुद से बोली दीदी मेरे साथ भी वीडियो बनाइए, तो मुझे अच्छा लगा फिर मैं बना ली। और यहाँ पे फिर उसके जाने के बाद मम्मी भी नहीं है घर पे, इसलिए फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इस रूम की साफ़ सफाई की, फिर उस रूम की भी साफ़ सफाई की, झाड़ू बर्तन पोछा ये सारा चीज़ मुझे, गैस की जो सफाई थी ना वो सारे चीज़ मुझे अभी कंप्लीट करूंगी। या फिर ना आराध्या आज घर पे ही उसको रखी हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं, तो फिर इसे ढूंढने के लिए कौन जाएगा बार बार, इसलिए ना मैं गेट लगा दी थी ताकि ये बाहर ना जा पाए, और इधर मैं अंदर में सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। काम तो जैसे तैसे मैं निपटा ली, लेकिन ना जैसे भी है मम्मी घर पर रहती थी तो अच्छा लगता था, आज ना पूरा सुनसान टाइप का लग रहा है। और कुछ बर्तन थी वो बर्तन भी मैं धो के बस यहाँ पे सेट कर देती हूँ,
और फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन उस रेस्ट से पहले तो बहुत सारा काम है, तो ये काम को फटाफट से निपटाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे भी अच्छा लगा अपने सब्सक्राइबर से मिलके। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो आप इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर देखते हैं, और जो कि मुझसे मिलने के लिए भी तमन्ना रखते हैं। वो सिस्टर बोल रही थी कि जब मैं बिहार जाऊंगी तो ज़रूर आपसे मिलूंगी, और बहुत सारे कमेंट भी वो करती थी, लेकिन वो मिल ली मुझसे। और फिर ना उसके बाद यहाँ पे भी शाम का चाय बना देती हूँ, तो चाय थोड़ा ज़्यादा बन गया था इसलिए एक इनको दे दी थी और एक मैं ले ली थी, उसी में ना थोड़ा चाय बिस्किट मैं खा ली थी। और फिर अभी आ गई है ब्लॉग एंड करने की टाइम, तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और मैं तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा जाऊँगी सोने के लिए, तो मिलते हैं।